हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आदर्श दुबे और आप देख रहे हैं मेरा चैनल साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी। ये वीडियो है Realme 3 Pro के अनबॉक्सिंग का, जो कि 29 अप्रैल को इसका पहला सेल लगा था और मैंने इसे 8 बजे वाले जो 8 पीएम पे इसका तीसरा सेल लगा था 29 अप्रैल को ही, मैंने उसमें इसे मंगाया है। मैंने Realme 3 Pro का एक सेपरेट वीडियो बनाया था पहले, जब मेरे पास Realme 3 Pro फ़ोन नहीं था, और मैं आज ये फ़ोन मुझे मिला है Realme 3 Pro। ये मेरे फ्रेंड का फ़ोन है, तो मैं सोचा कि आप लोग को दिखाऊं कि इसका फर्स्ट लुक, और सामने से एक बार देख लीजिए आप लोग कि कैसा ये फ़ोन है। तो आज ये Realme 3 Pro का अनबॉक्सिंग का ये वीडियो है, Realme 3 Pro का इसका फर्स्ट लुक और कैसा है ये फ़ोन, इसके प्रोज एंड कॉन्स मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए इस सारे वीडियो को देखते रहिए। फ्रेंड्स, ये है Realme 3 Pro का बॉक्स, आप देख सकते हैं जैसा कि ये उसके ऊपर के साइड का ये आप देख, लाइट सही नहीं मैनेज होने की वजह से थोड़ा आपको सही कलर नहीं देखने को मिल रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये येलो कलर में 3 Pro लिखा हुआ इसका बॉक्स है। ये इसके राइट साइड में भी आपको Realme 3 Pro देखने को मिल जाता है, फिर इसके लेफ्ट साइड में भी आपको Realme 3 Pro देखने को मिल जाता है, फिर इसके अपर साइड में आपको Realme का एक लोगो देखने को मिलता है, फिर इसके नीचे की तरफ इसकी रेट और कुछ इसके फीचर्स छोटे में दिए हुए हैं। दोस्तों, ये फ़ोन दो दिन पहले ही ओपन हो चुका है, इसका बॉक्स, इसका सील वगैरह टूट चुके हैं दिन पहले, क्योंकि मैं था नहीं, मैं बाहर गया हुआ था, तो मैं आ जाया हूँ तो दोस्त इसे दो दिन से यूज कर रहा था, लेकिन मैं सोचा आप लोग को इसको दिखाता हूँ। मैंने बॉक्स में इसको फिर से रखा है, फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ, चलिए देखते हैं। ये ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं, तो ये इसमें एक सेमी इजेक्टर टूल है, इससे आप अपने सिम ट्रे को बाहर निकाल सकते हैं। तो इसमें यूजर मैनुअल भी था, पर वो इस वक्त है नहीं मेरे पास, तो दोस्त के पास ही छूट गया है। और इसमें एक बैक कवर मिलता है जो काफ़ी सॉफ्ट है, आप देख सकते हैं, अच्छा बैक कवर है, इसका फिट भी काफ़ी अच्छा, अच्छे से पूरी ग्रिपिंग को पकड़ लेता है और आप इसे यूज कर सकते हैं। रेडमी वगैरह में कवर नहीं अच्छा देते हैं, पर ये कवर अच्छा है, रियलमी ने अच्छा कवर ये दिया हुआ है। चलिए इसको किनारे रखते हैं, फिर बात करते हैं फ़ोन की। तो फ़ोन को पहले साइड में रखते हैं हम लोग और बात करते हैं इसके अंदर में क्या क्या बॉक्स कंटेन करता है। तो इसमें आप देख सकते हैं वूक चार्जर है, मैंने अपने एक सेपरेट वीडियो जो पहले बताया था उसमें मैंने दिखाया था कि ये वूक 3.2 चार्जिंग को सपोर्ट करता है। जैसा कि आप लोग इसका आउटपुट देख सकते हैं, 5 वोल्ट 4 एम्पीयर है, तो वाकई ये काफ़ी अच्छा चार्जर होने वाला है। तो और ये इसका माइक्रो यूएसबी केबल है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, बस इसमें यही प्रॉब्लम है कि माइक्रो यूएसबी जो केबल है वो टाइप सी नहीं है, टाइप सी देते हैं तो सोने पे सुहागा हो जाता, तो और कोई इसमें कमी नहीं है, वायर भी इसका काफ़ी अच्छा है। तो चलिए आगे मोबाइल के बारे में देखते हैं। तो ये है आपका फ़ोन, तो यह का फ़ोन आप देख सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन फ़ोन लग रहा है। देखिए लाइट पड़ रहा है ऊपर की तरफ से, तो ये देखिए काफ़ी अच्छा ये फ़ोन लग रहा है। और फिर आप देख सकते हैं इस पर एस शेप का आपको डिज़ाइन यहाँ देखने को मिल जा रहा है, ये देखिए एस शेप का ये पैटर्न भी आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर, ये पैटर्न डिवाइस काफ़ी प्रीमियम, काफ़ी अच्छा ये फ़ोन देखने में लग रहा है। दोस्तों, बात करते हैं इसके फीचर ओवरव्यू के बारे में, तो जल्दी जल्दी बात करते हैं। मैंने पहले वीडियो में इसके बारे में बताया, तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। तो इसके राइट साइड में आपको मिल जाता है पावर लॉक एंड अनलॉक बटन, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसके ऊपर की तरफ में आपको मिल जाता है सेकेंडरी माइक, जो कि है नॉइस कैंसिलेशन के लिए। फिर इसके लेफ्ट साइड में आपको मिल जाता है वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन। फिर इसके ऊपर आपको मिल जाता है एक सिम ट्रे, जो कि ट्रिपल शॉट वाला मैंने पहले ही बताया था, मैं ये आपको दिखा भी देता हूँ। फिर इसके नीचे की तरफ आपको मिल जाता है 3.5 mm का एक हेडफोन जैक। फिर इसके बगल में आपको मिल जाता है प्राइमरी माइक्रोफोन, और ये है चार्जिंग के लिए पोर्ट, जो कि एक माइक्रो यूएसबी पोर्ट है। उसके बगल में आपको मिल जाता है स्पीकर ग्रिल, तो ऐसा है ये। और यहाँ पर आपको थोड़ा कर्व शेप का डिज़ाइन भी देखने को मिलेगा, तो ग्रिपिंग भी काफ़ी अच्छी होने वाली है इस मोबाइल की। और फिर मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये ट्रिपल शॉट वाला है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये ट्रिपल स्लॉट है, दो सिम के साथ एक माइक्रो एसडी कार्ड भी इसमें लग जाता है। और बात करें इसके पीछे की तरफ की, तो इसके पीछे की तरफ में आपको डुअल कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाता है, और उसके साथ में एक एलईडी फ्लैश है, और यहाँ पे एक फिंगरप्रिंट स्कैनर है, और यहाँ रियलमी की ब्रांडिंग देखने को आप मिल जाता है। इसका जो ऊपर वाला कैमरा है वो 16 मेगापिक्सल का है,
जो कि आता है सोनी के IMX519 सेंसर के साथ में, जिसका F1.7 अपर्चर का है, साथ में आता है। और इसका जो नीचे वाला कैमरा है वो 5 मेगापिक्सल का है, जो कि आता है F2.4 अपर्चर के साथ में। और सुंदरता में तो शायद कोई कमी है ही नहीं, मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ, काफ़ी सुंदर ये मोबाइल है देखने में। और फिर बात करते हैं इसके फ्रंट साइड में, तो इसके फ्रंट साइड में आपको देखने को मिल जाता है 6.3 इंचेस का फुल HD+ डिस्प्ले, जो कि एक ड्यू ड्रॉप नॉच के साथ में आता है। इसके ड्यू ड्रॉप नॉच पे आपको एक 25 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता है, जो कि F2.0 अपर्चर के साथ में आता है। इसमें गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन दिया गया है। मैंने ये सब बातें पहले वीडियो में बताई थी, पर मैं एक बार आपको रिपीट करके बता देना चाहता हूँ। चलिए इस फ़ोन को ऑन करते हैं। मैं इसमें जल्दी से आपको फेस लॉक और इसका फिंगरप्रिंट चेक करके दिखाता हूँ कि कैसा है, वर्क कर रहा है, क्या फास्ट है या नहीं है। चलिए जल्दी से इसे सेट करते हैं। फिंगरप्रिंट इसका लग चुका है, फेस लॉक लगाते हैं इसमें, तो इसमें फेस भी लग चुका है फेस लॉक। फिर चेक करते हैं पहले इसके फिंगरप्रिंट को, क्या है फास्ट है या नहीं है। तो देखिए टच करते ही खुल जा रहा है, टच किया चल खुल जा रहा है, टच करते तो काफ़ी अच्छा इसमें फिंगर प्रिंट स्कैनर दिया हुआ है, काफ़ी फास्ट है। बात करते हैं इसके फेस लॉक की, देखिए ओपन करते ही तुरंत, ये नीचे आप देखिए तुरंत अनलॉक, काफ़ी फास्ट है इसका फेस लॉक। इसके सेटिंग में जाते हैं और देखते हैं किस पे वर्क करता है। तो मैंने पहले ये सब बातें वीडियो में बताई भी थी। देखिए कलर OS वर्जन 6.0 पे वर्क करता है, इसमें एंड्रॉयड वर्जन 9 है आप देख सकते हैं, यानी कि 5 एंड्रॉयड वर्जन 9 पे चलता है। इसका सिक्योरिटी पैच लेवल भी आप देख सकते हैं, March 5, 2019 का है, तो सिक्योरिटी पैच लेवल भी इधरी का है, ज़्यादा दिन नहीं हुआ अभी। 4GB रैम और 64GB स्टोरेज वाला ये वेरियंट है, जो कि 14,000 वाला है आप देख सकते हैं। और बात करते हैं इसके प्रोसेसर के बारे में, तो इसमें आप जान ही रहे हैं लगा हुआ है कोलकम का स्नैपड्रैगन 7110 प्रोसेसर, जो कि GPU इसमें लगा हुआ है एडिनो 616 GPU के साथ में ये आता है। तो काफ़ी अच्छा फ़ोन है देखने में, काफ़ी अच्छा है और लुक भी आप देख सकते हैं। मैं इसका कैमरा आपको दिखा देता हूँ एक बार, देखिए मैं आपको फ़ोटो क्लिक करके दिखाता हूँ। तो ये फ़ोटो काफ़ी क्लियर है, अभी मैं आपको कई पिक्चर्स और इसमें दिखाऊंगा, ये फ़ोटो क्वालिटी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है। इसके फ्रंट कैमरा का मैं आपको कुछ फ़ोटो दिखाता हूँ, तो आप देख सकते हैं फ्रंट कैमरा उसका अच्छा नहीं है इतना, लेकिन तब भी ठीक है, उतना बेकार फ्रंट कैमरा नहीं है, ठीक है इसका फ्रंट कैमरा। इस प्राइस रेंज में आप ले भी क्या सकते हैं, इतना सस्ता फ़ोन आपको इतने अच्छे फीचर्स, इतना अच्छा प्रोसेसर आपको प्रोवाइड कर रहा है, थोड़ा बहुत तो कम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा कई चीज़ों में, लेकिन ये वाकई काफ़ी अच्छा फ़ोन है। कुछ सैंपल शॉट्स मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखाता हूँ इसके फ्रंट और बैक कैमरे से खींचे हुए। और बात करते हैं इसके हाइलाइटेड फीचर्स के बारे में, तो इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, तो इसमें आपको नाइट स्केप का ऑप्शन दिखता है, जिसमें आप नाइट में काफ़ी अच्छा इमेज क्लिक कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं आप नाइट मोड में। और आपको इसमें एक अल्ट्रा एचडी मोड देखने को मिलता है, मैंने आपको वीडियो में बताया था प्रीवियस वाले, इसमें आप 64 मेगापिक्सल तक आउटपुट इमेज ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा ये ऑप्शन आपको एक यहाँ मिल जाता है। फिर आपको यहाँ स्लो मोशन देखने को मिलता है, इसमें आप 960 FPS तक स्लोमो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसमें आपको मिल जाता है 4045 mAh की बैटरी, तो काफ़ी अच्छी बैटरी लाइफ आपको इसमें देखने को मिलेगा। वुक 3.0 चार्जिंग का सपोर्ट है, तो काफ़ी जल्दी चार्ज होगा। रियलमी ने दावा भी किया था कि 80 मिनट में फुल चार्ज आएगा, तो काफ़ी अच्छा, और बैटरी लाइफ भी आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा, गेम वगैरह भी आप अच्छे से इसमें खेल सकते हैं। दोस्तों स्पेशली ये वीडियो मैंने इसके फर्स्ट लुक के लिए बनाया था, इस फ़ोन को आप लोग को दिखाने के लिए। वैसे इसका पूरा डिटेल मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बता ही दिया था, जो मैंने Realme 3 Pro का पहले ही एक वीडियो बनाया, उसमें फुल डिटेल है इस फ़ोन के बारे में, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। बस फ़ोन मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन बाकी सब डिटेल मैंने उस वीडियो में आपको दे रखी है। प्रोज एंड कॉन्स की मैं बात कर रहा था, तो इसमें प्रोज ही प्रोज हैं, कॉन्स इसमें थोड़ा है वो भी काफ़ी निग्लेजिबल आप कर सकते हैं। इसमें आपको टाइप
सी की कमियाँ देखने को मिल सकती है। टाइप सी देना चाहिए क्योंकि ये टाइप सी का जमाना अब आ रहा है, धीरे धीरे आगे आपको फ़ोनों में टाइप सी ही देखने को मिलेगा। और इसके साइड में आपको कुछ स्क्रैचेस वगैरह पड़ने का डर है, आप देख सकते हैं साइड में 6 मंथ 7 मंथ यूज करने के बाद साइड में किनारे स्क्रैचेस पड़ सकते हैं। और फिर एक कमी और, इसका जो फ्रंट कैमरा वो काफ़ी अच्छा नहीं है। तो दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो में देखा इसका अनबॉक्सिंग और इसका फर्स्ट लुक, जैसा कि आप लोग अभी देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छा फ़ोन है दिखने में, तो काफ़ी इसकी सुंदरता में तो कोई कमी नहीं है। काफ़ी सुंदर फ़ोन है देखने में, एक फ्लैगशिप फ़ोन लग रहा है दूर, और 14,000 तक मतलब काफ़ी अच्छा फ़ोन है अपने बजट में, आप जरूर इस फ़ोन को ले सकते हैं। मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया भी था इसका, और उसमें मैंने सब चीज़ के बारे में बताया था पूरे डिटेल में, और मैंने तभी कहा था कि ये फ़ोन काफ़ी अच्छा, और आज मुझे मिला तो मैं इसे देख के और भी खुश हो गया क्योंकि देखने में और भी अच्छा लग रहा है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो फ्रेंड्स, तो ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको कोई मुझे सुझाव देना हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि भाई कुछ वीडियो में ये चेंज लाओ, और किसी भी टॉपिक के बारे में अगर आपको वीडियो बनवाना हो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि भाई इस वीडियो को बनाओ इस टॉपिक के बारे में, तो मैं ज़रूर आपके लिए कोशिश करूँगा उस वीडियो को बनाने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।